डियर स्टूडेंट्स, आज हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। और परपेंडिकुलर लाइन्स जो ड्रॉ की जाती हैं वो डी से भी ड्रॉ की जाती है, सेट स्क्वायर से भी ड्रॉ की जा सकती हैं, कंपस से भी ड्रॉ की जा सकती हैं। तो आज हम इन सभी से परपेंडिकुलर लाइन्स कैसे ड्रॉ की जाती हैं वो जानेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, आपके लिए मैं ब्लैक पेन का यूज कर रहा हूं पेंसिल की जगह, ताकि आपको इधर वीडियो में आसानी से ये लाइन सेगमेंट्स या लाइन जो भी है वो आपको क्लियरली नजर आ जाए। तो देखिए, अभी ये हमने एक लिया है ए बी लाइन सेगमेंट, इसके पॉइंट बी पर हम डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ, अब आपको डी से एंगल बनाना आता है, ये सेंटर है इसका, हमें इसका ये बी जो है इस सेंटर पे लाना है, और जो ए बी पूरी जो लाइन सेगमेंट है वो हमें इसके इस सेंटर से लेके यहाँ तक जो जीरो डिग्री तक लाइन जा रही है उसके नीचे इसको दबाना है, यानी कि आप कह सकते हैं हाइड करना है। और जैसे ही हम हाइड करेंगे, जिस साइड में लाइन ड्रॉ जो हो रखी है या जो लाइन हमारी दबती है हाइड होती है, उसी साइड से, याद रखना, उसी साइड से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सो लाइन इस तरफ हमने हाइड करी है, दबाई है, तो हमारी काउंटिंग भी यहीं से स्टार्ट होगी, और 90 डिग्री जहां पर भी 90 आकर के आ रहा है वहां पर हम एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, सो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक, चाहे यहां बनाइए या किसी और इस पॉइंट पे बनाना चाहते हैं पॉइंट ए पर, तो यहां भी बना सकते हैं। अब सेम वही, हमें पहले सेंटर के नीचे, ये जो सेंटर है उसके नीचे ए पॉइंट को, जो हमारा एंड पॉइंट है ये वाला, इसके नीचे छिपाना है, और फिर इसके बाद जो ये लाइन गई है इसके नीचे उसकी लाइन सेगमेंट को छिपाना है। ये देखिए बिल्कुल छिप गई है, और फिर क्योंकि लाइन इस तरफ दबी है, इस तरफ हाइड हुई है, तो हम, मैंने आपको कहा है, जैसे कि हम जानते हैं कि जिस तरफ ये दबती है हमें उसी साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी होती है, तो हमारी काउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो गई है। सो यहाँ से हमारा 90 डिग्री इधर जा रहा है, तो हम 90 पर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, और पॉइंट लगाने के बाद हम उसे मिला देंगे। ठीक है, ये भी एक 90 डिग्री का एंगल बन गया। ओके, सो ये हमने किसकी मदद से किया, डी की मदद से, जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। अब यहां पर हमारा जो प्रोटेक्टर है उससे तो हमने बना लिया तब जब हमारा कोई एंड पॉइंट पर है। अब अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट है और वहां पर वो जो हमें परपेंडिकुलर बनाना है वो किसी एंड पॉइंट पर नहीं बनाना है, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है, नाम है इसका पी क्यू, उस पर कोई पॉइंट है एम, हमें इस पर एक परपेंडिकुलर बनाना है और बनाना है डी से। सेम वही, जिस पॉइंट पर आपको बनाना है वो पॉइंट आपका यहां इस सेंटर के नीचे दबना चाहिए और बाकी पूरी लाइन इस लाइन के नीचे दबनी चाहिए। हमने देखिए बिल्कुल उसी के नीचे ला रहे हैं और पॉइंट सेंटर के नीचे पॉइंट आ चुका है, लाइन के नीचे लाइन दब चुकी है। अब क्योंकि ये हमारी लाइन इस तरफ से भी दबी हुई है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो हम किसी भी साइड से अब इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमने किया है तो ये 90 डिग्री इधर से आता है, और इधर से भी करने पर वही जा रहा है। अब आप इन्हें मीट करा सकते हैं, ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आप डी से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर जो कहते हैं वो बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सेट स्क्वायर से परपेंडिकुलर्स कैसे बनाए जाते हैं। सेम, हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे
हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। अब हम यहां पर एक्स वाई नाम दे रहे हैं, तो इस एक्स पर, इस एक्स एंड पर हम सेट स्क्वायर से 90 डिग्री, अब देखिए सेट स्क्वायर आपके पास दो है, दो सेट स्क्वायर है और इसमें 90 डिग्री एंगल कहाँ है, ध्यान से देखिए ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री है, जैसा यहाँ 90 बनता वैसा ये अंदर भी 90 डिग्री बन रहा है, सेम इसका 90 डिग्री एंगल ये वाला है और अंदर भी ये 90 डिग्री एंगल है। तो आप चाहें तो इसको देखिए, हमने पहले अब स्केल लगाना है इधर इस लाइन पे, अपना जो लाइन ड्रॉ करी थी लाइन सेगमेंट, अब ये जो हमारा पॉइंट था इसको लेके आइए या फिर इसको लेके आइए, दोनों एक ही बात है, 90 डिग्री तो दोनों तरफ है, धीरे धीरे उसको वहां तक लेके जाइए जहां तक, जहां पर आपका ये पॉइंट था, बिल्कुल पॉइंट के पास ले जाने के बाद आप यहां से इस तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका बना है ये आपका 90 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप इस साइड में y पर एंड पॉइंट पर बनाना चाहते हैं, सेम पहले स्केल लगाना है आपको, स्केल के बाद इसे इस प्रकार से तब तक इसके साथ साथ लेके चलना है जब तक कि वो पॉइंट तक ना पहुंच जाए, जैसे ही उस पॉइंट तक पहुंचेगा आप वहां तक वो अपना एंगल बना सकते हैं। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो सेट स्क्वायर से आपने एंड पॉइंट्स पर एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पर परपेंडिकुलर बना दिया। अब अगर कहीं बीच में बनाना हो तो सेट स्क्वायर कैसे मदद करेगा अगर आपके पास डी नहीं है तो, ये देखिए ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट बनाया हमने पहले ए बी, ठीक है। इस लाइन सेगमेंट पर कोई ये भी एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज हमने ये वाला एक पॉइंट लिया, इसका नाम हमने एन दे दिया, एन पॉइंट, इस एन पॉइंट पर हमें चाहिए, तो पहले हम इसके यहां पर लाइन सेगमेंट के साथ हम अपना स्केल लगाएंगे, सेम वही प्रोसेस सेट स्क्वायर को लीजिए। अब मैं बार बार उससे कराऊं, एक बार इससे भी करके दिखा देता हूं, इसको इसके साथ चिपकाना है और इसके साथ स्लाइड करते हुए यहां तक खिसकाते हुए यहां तक ले आइए और यहां से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए जहां पर आपका पॉइंट पहुंचता है। सो ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, इस लाइन, इस पॉइंट पर ये एक परपेंडिकुलर बन गया, ठीक है ना आसान। अगर फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार रिवर्स कर लीजिएगा और साथ साथ ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं हम कि कंपस से अब हम परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, ठीक है। डी का हम देख चुके हैं, सेट स्क्वायर का देख चुके हैं, अब हम कंपस से देखते हैं। इसके लिए भी पहले हमें एक लाइन सेगमेंट्स की ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम देखेंगे एंड पॉइंट्स पर, एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। इसको हमने नाम दिया ए बी लाइन सेगमेंट। देखिए इसको अपनी सुविधा अनुसार पेंसिल को लगाइए, एडजस्ट कीजिए, अपनी सुविधा अनुसार इसको ओपन कीजिए और किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर बनाना चाहते हैं उसके उस एंड पॉइंट पर या उस पॉइंट पर ले करके आप एक आर्क लगाइए जो लगभग इतनी बड़ी हो, ठीक है। आपको ड्रॉ आर्क दिखाई दी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार खुले कंपस से प्रकार से जितनी आर्क हम लगाते हैं उसके बाद उस आर्क को उस लाइन सेगमेंट पर बने पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से अगर आपने उतने ही खुले प्रकार से उसको काट दिया उसकी आर्क को, तो ये आपका बनता है 60 डिग्री का एंगल। मैं आपको बता दूं पहले क्या बनता है, ये 60 डिग्री के एंगल का पॉइंट बनता है। तो आपको ऐसा इस आर्क को दो बार कट करना है, ठीक है, आपके ये दो पॉइंट मिल गए यहां पर। इसके बाद इस प्रकार से, अब वैसे कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही रखें, आप अपनी
इच्छा से चाहे इतना ही रख लीजिए या कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक बार इस पॉइंट से लग करके जितनी जितनी जितने खुले से आपने इसको आर्क लगाया होगा उस पॉइंट से उतने ही खुले प्रकार से आपको उस आर्क को काटना भी है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये आर्क दोनों यहां कटी। पहले आपने क्या किया, पहले यहां से एक आर्क लगाई, फिर उतने ही खुले प्रकार से यहां से इस आर्क को काटा, अगेन सेम उतने ही डिस्टेंस वाले प्रकार से फिर काटा, एक बार इस पॉइंट से यहां आर्क लगाई, एक बार इस पॉइंट से आर्क लगाई। तो आपके पास ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट के साथ बी को एंड पॉइंट को मिला दीजिए, तो इससे जो आपके सामने एंगल आएगा वो 90 डिग्री का एंगल आएगा। देखिए ना आपको सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ी और ना ही आपको डी इसकी जरूरत पड़ी, आपके पास कंपास है तो आप अपने कंपास से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अब ए इधर बनाना चाहे तो इधर भी बना सकते हैं, देख लीजिए कैसे बनेगा। पहले एक आर्क लगाएंगे, उतने ही खुले से दो बार आर्क लगाएंगे, 1 2, ठीक है। अब ये इन्हीं दोनों से एक बार एक आर्क यहां लगाएंगे, दूसरी आपके लिए यहां से आर्क लगेगी इस तरफ, और उस आर्क को काटेंगे जो पहले वाले कट से बन गई थी। फिर ये इसको एक पॉइंट का इंडिकेशन देंगे कि यहां पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट तक यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। ये तो हो गया एंड पॉइंट्स पर। अब परपेंडिकुलर कई बार ड्रॉ करना होता है कि इस लाइन पर, किसी लाइन सेगमेंट पर पहले से ही कोई पॉइंट है उस पर, ठीक है। सी डी हमने लिया है, उस पर एक पॉइंट है कहीं पर भी, मान लीजिए हमने उस पॉइंट को एम मान लिया। अब हमें इस एम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। इस एम पर परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए कंपास को अपनी सुविधा अनुसार इतना खोलिए कि जब हम इस पे रखेंगे तो हमारे दोनों तरफ जो लाइन सेगमेंट बचे हुए हैं, ये पार्ट हमारा, जब हम इसको सेमी सर्कल वाली आर्क बनाएंगे, सेमी सर्कल यानी आधे सर्कल से, आधे सर्कल जो होता है हमें सेमी सर्कल से थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन दोनों जो लाइन सेगमेंट है इसको उस आर्क से काटना है। एक बार देखो यहां से कटता हुआ गया, दूसरी तरफ गया, दूसरी तरफ भी हमने काट दिया, ठीक है। क्या क्या हमने सेमी सर्कल से थोड़ा सा बड़ा बनाया, ये हाफ सर्कल से बड़ा हो गया ना, क्योंकि थोड़ा आगे आगे की तरफ निकल गया। तो अब आपके पास क्या मिले, दो पॉइंट मिले, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब आपकी बारी कि इस कंपास को थोड़ा सा ज्यादा खोलिए, इतना खोलिए कि एक बार इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लगा करके जब हम आर्क लगाने वाले हैं इधर, वो थोड़ी बाहर की तरफ लगे, इस सेमी सर्कल से बाहर। ये देखिए बाहर लगी, इधर से भी। अब वो जो आर्क लगाई थी हमने वो इससे कटनी चाहिए, कट गई, कम से कम इतना तो खुला होना चाहिए कि जो यहां से हमने आर्क लगाई थी उसको ये वाली आर्क काट सके, ठीक। और जब ये आर्क दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको भी एक पॉइंट दीजिए और उसे इस एम से मीट करा दीजिए। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये इस तरफ भी 90 डिग्री बनाएगा और इस तरफ भी 90 डिग्री बनाएगा। चलिए अब देखते हैं कि कोई परपेंडिकुलर अगर हमें बनाना हो और वो भी किसी ऐसे पॉइंट से जो उस लाइन पे था ही नहीं, ठीक है। जैसे आपने ये पी क्यू एक लाइन सेगमेंट लिया, कोई एक पॉइंट है बाहर की तरफ, उस पॉइंट का नाम हमने लिया एक्स ले लेते हैं, ठीक है। हमें इस एक्स पॉइंट से इस पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो देखिए इसका ध्यान से देखिएगा, आप अपने कंपास को इतना खोलिए कि जब आप इस पॉइंट पर इसको रखेंगे और जब इसको आर्क में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि घुमाएंगे, तो वो आपके इस लाइन सेगमेंट को दो पॉइंट पे काटना चाहिए। कितने पॉइंट पर, टू पॉइंट पर। सो कम से कम इतना खुला हो, जैसे कि आप देख सकते हैं,
मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इसको, तो ये मैं थोड़ा सा नीचे से लेके इधर जा रहा हूँ, और आपके सामने ये इसने हमारे पी क्यू को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। एक पॉइंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये रहा, दूसरा आपके पास यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है ना। एक पॉइंट आपने पी के पास पहुंचाया है और एक क्यू के पास। इससे हमने एक आर्क ड्रॉ करी जिसने पी क्यू लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। अब हमारा काम क्या है, अब हम इसे यहां से एक बार इस तरफ से थोड़ा सा आधे से ज्यादा, इतना अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से इतना खोलना है कि जब आप यहां से एक आर्क लगाएंगे तो यहां लगनी चाहिए और यहां से वो आर्क कटनी चाहिए। तो आपको ये कंपास एडजस्ट करना है। मान लीजिए हमने एक आर्क यहां लगा दी, आपको वो दिखाई दे रही होगी आर्क, दूसरी आर्क इतने ही खुले पर करते, सो ना कम करना ना ज्यादा करना, आपको दूसरे पॉइंट से वो आर्क कट करनी है। ठीक है, तो आपके सामने यहां पर इस पॉइंट से खींची गई आर्क ये वाली है और इस पॉइंट से खींची गई आर्क ये वाली है। तो इस पॉइंट को, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को अपने पॉइंट एक्स से मीट कराना है। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया आपका, ये है आपका परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा, अगर किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाना हो तो कैसे बनेगा, किसी लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट दे रखा है उस पर परपेंडिकुलर बनाना है तो वो कैसे बनेगा, और किसी लाइन सेगमेंट से बाहर कोई पॉइंट हो तो वहां से उस पर परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, आपने ये देख लिया। ठीक है, अभी मैंने एक सेट स्क्वायर का अभी मैंने आपको बताया, तो एक सेट स्क्वायर से देखिए, आपने कंपास से बनाया ना, ऐसे ही एक बार सेट स्क्वायर से बना के बताता हूँ कि सेट स्क्वायर से भी बन जाता है। सेट स्क्वायर वाला भी देखिए, जब हम इतना कर रहे हैं तो सेट स्क्वायर वाला भी क्यों छोड़ा जाए। इसका नाम हमने ई एफ ले लिया और बाहर कोई पॉइंट जैसे कि एक्स वहां लिया था, हमने यहां पर पी ले लिया। तो आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल स्केल के साथ लगाना है लाइन को, जैसे कि ड्रॉ किए जा रही है। फिर अपना ये लीजिए और इसको यहां पर, और तब तक इसको इसके साथ लेके आइए खिसकाते हुए जब तक कि वो पॉइंट से टच ना हो जाए, और जैसे ही वो पॉइंट के पास आए या पॉइंट से टच हो जाए बना दीजिए, हो गया आपका ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आप और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।